मात्र अपने परम लक्ष्य आत्मिक शांति के लिए प्रयत्नशील है। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, तो कोई गुरुद्वारे में। आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए मानव न जाने कहां कहां जा रहा है। जो लोग इस परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, उसी में रमण करते हैं। जिनका अन्य कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया, जिनको अपने लिए करने को कुछ बचा ही नहीं, जिनका अस्तित्व मात्र लोक कल्याणकारी बना हुआ है, ऐसे लोग महामानव कहलाते हैं, संत महापुरुष कहलाते हैं, क्योंकि उनमें संतत्व खिल उठा है। महान इसलिए क्योंकि वे सदैव महान तत्व आत्मा में अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। यही महान तत्व अर्थात आत्म तत्व जिस मानव शरीर में खिल उठता है, वह मानव शरीर फिर सामान्य मानव शरीर नहीं कहलाता। फिर उसे कोई भगवान बुद्ध कहता है, तो कोई गुरु नानक, कोई संत कबीर, तो कोई तुलसीदास, कोई राम कहता है तो कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है तो कोई भगवती कहता है, तो कोई उसे सद्गुरु के रूप में नवाजता है, पूजा करता है, आराधना करता है। फिर वह हार्ड मास का शरीर तो क्या, उसके संपर्क में रहने वाली जड़ वस्तुएं, दंड कमंडल वस्त्र और पादुकाएं भी पूज्य बन जाती है। इस अवनीतल भारत भूमि का यह सौभाग्य रहा है कि यहां अति प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसी दिव्य विभूतियों का अवतरण होता ही आ रहा है। आधुनिक काल में भी यह संत अवतरण की दिव्य परंपरा अवरुद्ध नहीं हुई। आज भी ऐसे महान संतों से यह तपोभूमि भारत वंचित नहीं है। यह हमारे एवं मानव जाति के लिए, इस देश के लिए गर्व की एवं परम सौभाग्य की बात है। पूज्य संत शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता सदगुरु संत श्री आसाराम जी महाराज भी संतों की ऐसी मनोहर पुष्प मालिका के एक विकसित खिले हुए पुष्प हैं। पूज्य संत श्री आसाराम जी लीला किस विध गाऊं, मैं बार बार शिर नाऊं। पूज्य संत श्री आसाराम जी लीला किस विध गाऊं, मैं बार बार शिर नाऊं। चमत्कार भय योग सिद्धि से ना समझूं समझाऊं, मैं बार बार शिर नाऊं, मैं
बार बार शिर नाम। वाणी का वैभव क्या होता है, उसके शब्द शब्द में जादू का चमत्कार क्या प्रभाव छोड़ता है। और लाख लाख मनुष्यों का उमड़ता उफनता सैलाब किस प्रकार आत्मानुशासित होकर किसी लोकोत्तर महामानव श्री बापू जी के श्रीमुख से निःसृत सत्संग प्रवचन गंगा में अवगाहित होकर अपने को किस प्रकार धन्य धन्य अनुभव करता है, यह सब देखना हो समझना हो तो आ जाइए पूज्य बापू जी के सत्संग समारोह में। जिन लोगों ने ऐसे अवसर का लाभ लिया है सचमुच धन्य है धन्य। पूज्य बापूजी को सुनना यह कैसा अनुभव है जो द्वापर में आत्मार्थी अर्जुन को प्राप्त हुआ था, या फिर इस घोर कलयुग की त्रासद छाया में जीने वाले लोगों को प्रभु की अहेतु की कृपा के रूप में प्राप्त हुआ है और हो रहा है।